अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक गाड़ी है मारुति की बलेनो और आज का जो वीडियो है क्लॉक स्प्रिंग के ऊपर वीडियो बन रहा है। तो अभी हम इसको खुलवाते हैं। सुजुकी बलेनो सिस्टम ये खुल चुका है, इसका ये पुराना वाला निकाले हैं, क्लॉक स्प्रिंग है। तो इसका दिखाने का मकसद यही है, छोटी छोटी गलती से बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। मतलब ये गाड़ी में प्रॉब्लम था, स्टीयरिंग इसका जाम हो गया था, तो किसी इंजन मिस्त्री को इसने दिखाया गाड़ी वाले ने। अब वो नीचे से यहाँ नीचे से ये खोल के ग्रीसिंग व्रीसिंग कर दिए। अब इसमें क्या है, ये क्लॉक मतलब ये राउंड के हिसाब से होता है, ये इसको बीचों बीच में रहना चाहिए, तो उसने ध्यान नहीं दिया और उसी पे स्टीयरिंग निकाल के रॉड उसके बाद में वो बांध दिया। और इसके अंदर ये दिख रहे होंगे, ये अंदर पत्ता दिख रहा है इसके, तो पत्ता टूट गया। अब वो कस्टमर डाढ़ मांग रहा है उससे, तो लमसम ये हमारे ख्याल से 1400-1500 के आसपास में आता है, तो कहीं नहीं मिलता है तो कोई मंगा के देता है, तो जो ले लें 1700-1800 जो भी। तो फ़िलहाल हमारे ख्याल से कस्टमर से 1800 इन्होंने लिया है, ये नया पीस हमारे पास भी आ गया है और इस पर MRP भी नहीं है, MRP खुर्चा हुआ है, ये MRP खुर्चा हुआ है। और ये नया पीस आ गया है हमारे पास। तो बताने का मकसद यही है कि इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ये इसको एक बार अब हम स्टीयरिंग निकालने हैं तो इसको बताएंगे कि कैसे इसको फिट करना है, ठीक है। और चलो स्टीयरिंग को हम लगाते हैं सीधा, ये हमने स्टीयरिंग को लगा दिया सीधे पोजीशन पे, हमने निकाला था सीधे पोजीशन पे लगा दिया। फिलहाल वो नहीं, हमको इसका राउंड देखना पड़ेगा। तो ये हमने गाड़ी को कर दिया स्टार्ट और इसकी हम राउंड देखेंगे। पहले तो हम राइट साइड काटेंगे फुल इसको, ये राइट साइड फुल कट गया हमारा। अब इसको पूरा हम लेफ्ट साइड काटेंगे, कितना राउंड बनेगा इसका, ठीक है। एक दो तीन, तीन सवा तीन राउंड के आसपास बन रहा है, तो इसके मतलब डेढ़ राउंड में हमको इसको रोकना है, डेढ़ राउंड में यानी बीचों बीच में रुक जाएगा ये, तो उसी पे लगाएंगे तो ये काम करेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगा। वो भी एक ये आ गया हमारा सीधा डेढ़ राउंड पे सीधा। तो इसमें यही होता है खेल, अगर इसको नहीं देखेंगे तो ये बाद में यही दिक्कत होता है, इसका पत्ता टूट जाता है। ये देखिए, ये चरखी हम नचा के दिखाएंगे आपको, पुराना वाला है जो पकड़ो नीचे से, ये पूरा फ्री हो चुका है, ये बिल्कुल ऐसे ही, ये देखिए पूरा फ्री हो चुका है, ये अंदर से टूट गया है। तो वीडियो में बताने का मकसद यही था, जैसे कस्टमर अब ये हम मिस्त्री से देखिए कितना नुकसान हो गया और उसने मिस्त्री से डाढ़ भी ले लिया, तो छोटा छोटा चीज़ यही दिक्कत हो जाता है, इसको ध्यान में देना चाहिए। बाकी का अब हम थोड़ा सा देखते हैं, फिट करवा रहे हैं इसको, फिर चला वाला के गाड़ी देखेंगे। तो चलो फिट करते हैं।
नया वाला है, इस पर ये लॉक लगा रहता है, घूमे ना इसकी वजह से। तो अभी हम वायरिंग वगैरह लगाएंगे इसमें, फिर ये वाला तार कटा, इसमें टेप लगा दो। दो तीन दिन असल में वो सामान आने में 3-4 दिन लग गया, तो अलग से हमने ये बटन लगाया था हॉर्न बजाने के लिए, क्योंकि दिक्कत हो रहा था कस्टमर का, वो हॉर्न नहीं बज रहा था, तो ये बटन अलग से लगा दिया था यहाँ से बजाने के लिए। तो चलो, यहाँ से छिला हुआ था तार ये हॉर्न बजाने के लिए, तो इस पर हम पहले टेप लगा देंगे, फिर सॉकेट लगा के उसके बाद में स्टीयरिंग वगैरह बांधेंगे, फिर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है, नया पीस भी वो गड़बड़ हो निकल जाता है, ऐसा हुआ है। तो इस लॉक को हम निकालेंगे अभी, ये लॉक निकल चुका है और इसको हम लगाएंगे। हम इसको चेक करेंगे, मुझे लगा सकिटिया लगाओ कोई ना। ये आप देख रहे हैं, ये हॉर्न बजने लगा, यहाँ से हम ये वायरिंग का साकेट है, अब यहाँ से बॉडी पे अर्थ दे रहे हैं तो हॉर्न बजने लगा, तो ये नया वाला मतलब क्लॉक स्प्रिंग अभी हमारा सही है। चलो अभी हम फिट करेंगे इसको, फिर भाई ऊपर वाला। तो टाइट करो जरा, इसको हम प्रेस करेंगे, बैठ जाएगा। ये हमने प्रेस किया, बैठ गया, ये हॉर्न बजने लगा। तो अभी हम थोड़ा सा इसको चला के देखेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं, मतलब ये सक्सेस हो रहा है या फिर से टूट जा रहा है जो भी है। और इसका ये स्टीरियो सिस्टम वगैरह इससे काम करने लगा, पहले सब दिक्कत हो गया था। तो
तो फाइनली हमने 3 से 4 किलोमीटर रनिंग कर लिया है गाड़ी को, और ये हमारा सब फर्स्ट क्लास सब काम कर रहा है अभी भी। और पहले इसमें एयरबैग का लाइट भी क्लस्टर मीटर में आ रहा था, अब वो भी नहीं आ रहा है। और सिस्टम यहाँ देखेंगे तो ये सब काम कर रहा है। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।